महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच एआईसीसी मुख्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हो गए। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोकतंत्र की मौत देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं जितना लोगों की आवाज उठाता हूँ, जितना सच बोलता हूँ, उतना ज्यादा मुझ पर हमला किया जाता है। मैं लोकतंत्र के लिए खड़े होने का अपना काम करता रहूंगा। साथ ही कहा कि जो धमकाता है वह डरता है। बता दें कि ईडी द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ करने के बाद से कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। फाइनेंस मिनिस्टर हैज एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. If she had understanding, we would not be in the situation we're in, right? The entire job creation system of India has been destroyed. Small and medium businesses have been wiped out.